हेलो जी, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं सुनीता कॉर्नर। तो ये मैं एक आर्मी ट्रंक है जो कबाड़ी वाले से लेके आई, क्योंकि जो हमारे घर में ट्रंक होते थे वो तो हमने बेच बाच दिए सारे कि पुराना फैशन हो गया, लेकिन अब से नया फैशन शुरू है इसका। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगी साफ़ कपड़े के साथ। साफ़ सफाई करने के बाद फिर इसको रेगमार से इसकी घिसाई करेंगे थोड़ी। तो ये है लोहे पर रगड़ने वाला रेगमार। रेगमार से इसको मैं थोड़ा सा जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत जंग लगा है वहाँ से इसको सारा रगड़ के साफ़ कर दूँगी। इसके बाद मैं इस पर लगाऊँगी प्राइमर, जो मैं एशियन पेंट का प्राइमर लेके आई थी, क्योंकि अगर जंग वगैरह लगा हुआ है मैंने साफ़ तो कर दिया, तो ये प्राइमर से मैं सारा इसका जो एक बार पूरा कोट कर दूँगी प्राइमर से। ये देखिए, ये सारा मैंने प्राइमर फेर दिया इसके ऊपर ताकि थोड़ा नीचे वाला कलर भी दब जाए। और सर्दियों के दिन है तो इसमें सूखने में बहुत टाइम लगा मुझे, इसको सुखाने में काफ़ी टाइम ले रहा है। ये धीरे धीरे करके सूख रहा है तो चलो कोई बात नहीं, या धूप नहीं आती ज़्यादा तो फिर भी चलो चल रहा है काम इसका। अब मैंने इसके ऊपर कर दिया येलो रंग का पेंट, काफ़ी चमकदार येलो है, क्योंकि मेरे सोफ़े जो हैं वो ग्रे कलर के हैं। अगर मुझे वहाँ रखना है इसको तो फिर इसका रंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी इसको मैंने एक या दो कोट किए हैं तो इसके ऊपर तीन कोट करने पड़ेंगे तभी इसका नीचे का रंग दबेगा, क्योंकि अभी भी रंग उभर कर आ रहा है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं एक दो कोट और मारती हूँ। तो ये मैंने इसको तीन कोट मारने के बाद अब मैंने ये डिज़ाइन लगाना शुरू किया इसके ऊपर। तो कुछ डिज़ाइन मैंने स्टेंसिल से बनाए हैं, कुछ डिज़ाइन मैं हाथ से बना रही हूँ। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे काम हो रहा है, तो देखते हैं ये। लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, मुझे पूरा एक हफ्ता लग गया इसको बनाने में। और ये जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ इनसे मैं पेंटिंग करती हूँ, ये लक्ष्मी पेंट्स वालों के कलर हैं और फ्लैश, इसका नाम है फ्लैश कलर, ये लक्ष्मी पेंट वालों के हैं। मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ ये सारे कलर, और मैं इनको येलो कलर तो मैंने एशियन पेंट का किया है, लेकिन ये वाला कलर मैं उसका कर रही हूँ फ्लैश वालों का, क्योंकि मैं पेंटिंग करती हूँ कैनवस पर तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये वाटरप्रूफ कलर हैं सारे, तो एक बार मैं करने के बाद फिर इसके ऊपर वार्निश फेर दूंगी ताकि ये एकदम से लॉक हो जाए, कलर ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने पुराने संदूक को एक बिल्कुल नया लुक दे दिया है। तो अगर आपके पास भी कोई पुराना संदूक है तो आप भी उसको एक नया सा लुक दे सकते हैं। ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है, आपको धीरे धीरे करना पड़ता है। ये मैंने नीचे वाला जो डिज़ाइन बनाया रेक्टेंगल, ये जो ट्राइंगल है, ये सारे मैंने स्टेंसिल से बनाए हैं, लेकिन स्टेंसिल से भी बहुत टाइम लगा मुझे बनाने में इनको धीरे धीरे करके। ये देखिए, और पहली बारी मैंने किया तो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा साफ नहीं आया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं बनाऊँ। ये मैंने ऊपर चेस बोर्ड बनाया इसके ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये ब्लू कलर सारा फ्लैश वालों का है और ये नीचे येलो कलर सारा एशियन पेंट का है। तो ये एक मेरी कोशिश थी कि मैं पुराने संदूक को एक नया लुक दूँ। तो ये देखिए, इसके बीच में मैंने जो रखे हैं वो मेरे अपना सारे पेंट के ब्रश हैं, बोर्ड गेम हैं और सारा ट्राईपॉड है, काफ़ी सारा सामान, मेरा सारा पेंटिंग का सामान इसके अंदर आ गया। तो मुझे स्टोरेज की स्टोरेज मिल गई और मेरा ट्रंक का भी मेकओवर हो गया। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। तो ये मैंने इसके ऊपर आपको चेस रख के भी दिखा दिया है। तो ये देखिए, चेस बोर्ड भी बन गया और यूटिलाइज भी हो गया मेरा ट्रंक। तो ये था मेरा एक DIY ट्रंक के ऊपर।